आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। रविशंकर प्रसाद जी, पूरा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि ये जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट कर रही है आपकी सरकार, और इसी वजह से उनके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर है। वो यहां तक कि कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं जज ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की थी। दूसरी तरफ लाइटनिंग स्पीड से उनकी सदस्यता को खत्म किया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आपका जवाब? मुझे आप सिर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए अंजना जी, ये पूरे विषय को आपने भी देखा है। ये 2019 का भाषण उनका है ना, जिसमें कहा सारे मोदी सरनेम चोर क्यों होते हैं। उन्होंने पूरे एक समाज को इंसल्ट किया है, एब्यूज किया है। कोई इसका पॉलिटिकल मतलब नहीं था, जिसमें अधिकांश पिछले अति पिछले समाज के लोग होते हैं। बिहार में इनको काफी पिछले अति पिछले समाज के लोग हैं, बाकी जगह भी हैं, कुछ पारसी भी हैं, कुछ जैन भी हैं, अधिकांश लेकिन वही हैं। अब आपका ट्रायल हुआ, उसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। जज ने 3 साल के बाद कहा कि आप माफी मांगने को तैयार हैं, तो नहीं मांगा। याद होगा राफेल केस में भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने माफी मांगा था, जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के खिलाफ 7 मामले चल रहे हैं अवमानना के। पटना में सुशील मोदी ने भी केस फाइल किया, वो भी एक मोदी है। आप कानून मांगेंगे नहीं, आप जब चाहेंगे सबको एब्यूज करेंगे, आप लंदन जाके भारत की डेमोक्रेसी को एब्यूज करेंगे। आज जब कानूनी कार्रवाई हुई तो आप इस तरह से बोलते हैं। अब दूसरा विषय आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके दर्शकों के लिए जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8(3) के अंतर्गत स्पष्ट बात का प्रावधान है, 2 साल से ऊपर या 2 साल की सजा हुई तो आपकी अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। और देखिए आज के अखबारों में सूची छपी है, 32 लोग, मैं सामने लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें लालू प्रसाद भी हैं, जलेसा जी भी रही हैं, हमारे बीजेपी के 6 MLAs रहे हैं, बिहार में 6 MLAs गए हैं, चुनाव हुआ है, हर पार्टी के लोग हैं। तो राहुल गांधी स्पेशल क्या है इसमें, आप मुझे बताइए। कानून कानून है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं अंजना जी, आप भी तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए, कल उनको सजा मिलती है कन्विक्शन के बाद, कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े वकीलों की बैटरी है, राज्यसभा तो भरी हुई है, देश के महानतम वकील उनके साथ बैठते हैं, किसने रोका था कि चार्टर प्लेन से जाकर सेशन कोर्ट में स्टे का प्रयास नहीं करते कन्विक्शन पर, हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। अगर पवन खेड़ा के मामले में दिल्ली की एयरपोर्ट के ट्रामैक से दौड़कर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में स्टे हो सकता है गिरफ्तारी का, तो राहुल गांधी के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये बात मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं अंजना जी, ये प्रयास क्यों नहीं किया गया? ठीक है, लेकिन आज पूरी की पूरी पार्टी राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने को, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी पार्टी आज लामबंद है, उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, सारे नेता मौजूद थे, सबने बैठक की है, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये जो देरी की बात आप कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस का जवाब है कि चूंकि गुजराती में फैसला था, इसीलिए हमें अनुवाद करके उसको समझकर उस पर अपना अपील फाइल करने में टाइम लग रहा था। मैं आपसे जो प्रश्न आज उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे हंसना पड़ेगा। अच्छा, रुकिए अंजना, मुझे हंसना पड़ेगा। ये गूगल का जमाना है ना, इंस्टेंट ट्रांसलेशन होता है ना, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्ट हो गए, और इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज, और शक्ति सिंह गोहिल भी वकील है, मुझे कल ही मालूम हुआ वो कोर्ट में वहां मौजूद हैं, तो ये क्या 50-60 पेज ट्रांसलेट नहीं हो सकता था क्या? क्या बात करती हैं आप, क्या बात? दूसरा उनका आरोप है सर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जज ने नहीं किया। दूसरा आरोप तो सुन लीजिए सर, उस पे पॉइंटेड, क्योंकि आप खुद इतने जानकार हैं कानून के, तो आप जवाब देंगे, मायने रखेगा। देखिए, उन्होंने कहा मामला दूसरे राज्य का, लेकिन गुजरात में सुनवाई होती है, जज बदले जाते हैं, और फिर जो जज आते हैं उसके बाद एक सुनवाई होती है और फैसला आ जाता है। पी जज ने नहीं किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी वो नहीं की, इस पर आपका क्या जवाब? पहले आप सारी बातों का जवाब सुन लीजिए। अगर आपने गुजरात में भी बोला कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो ये पूरे देश में सुना गया, और जिसका भी सरनेम मोदी है, जो सूरत के कॉम्प्लेंट का था, उसको भी पूरी शिकायत है, जैसे पटना में सुशील मोदी को अधिकार है। मैं आपसे अंजना एवं कश्यप एक सवाल पूछता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, विनम्रता से पूछ रहा हूं, अब वो कैसा लगे कोई कहे कि सारे कश्यप अजीब प्रकार के क्यों होते हैं, या सारे प्रसाद बड़े घटिया किस्म के लोग क्यों होते हैं?
आपका सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, आपको पीड़ा पहुंचती है और आप गाली देंगे, आप एब्यूज करेंगे, आप स्कैंडलाइज करेंगे, तो कानून में अधिकार है कि हम कानून की राह जाएं और वहां अपनी बात कहें। अब जहां तक कि तो आप कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये तो खड़गे जी ने कहा कि जानबूझकर न्यायालय को बदला गया था, तो ये तो आप तो कोर्ट के ऊपर भी आप अविश्वसनीयता की बात, यही उन्होंने राफेल में भी कहा था, याद करिए जब सुप्रीम कोर्ट ने गहन टिप्पणी की थी इनके खिलाफ, उन्होंने माफी मांगा था, ये कोई इनके पक्ष में फैसला है सब ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया नहीं किया, आप मुझे ये बताइए, कोई ट्रायल होता है अंजनाओं कश्यप, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो उस ट्रायल को सुनता है या एक मजिस्ट्रेट उसका ट्रांसफर होता है, तो दूसरा जो आता है वो कहां से शुरू करता है? जहां तक कार्रवाई हो गई उसके आगे शुरू करता है, क्योंकि सब तो रिकॉर्ड पर है ना, गवाही वगैरह सब, तो क्या क्या बातें कही जा रही हैं। और अगर इतनी ही बात थी ठीक है, तो ये बात अंजना ओम कश्यप और पत्रकार को बोलने की बजाय कल क्यों नहीं कहा कोर्ट में जाकर के, किसने रोका था? तो अब देखो मुझे हंसने की इच्छा हो रही है, इतने बड़े बड़े वकील, देश के नामी गिरामी वकील कांग्रेस की। अब रैपिड फायर में सर पांच सवाल है आपसे, जल्दी जल्दी पूछती हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी के पास सदस्यता वापस पाने का कोई विकल्प है? आप कानून के जानकार भी हैं, बता दीजिए। मैं राहुल गांधी का लीगल एडवाइजर नहीं हूं अंजना ओम कश्यप, उनके पास बड़े बड़े देश के वकीलों की फौज है, यह एडवाइस वो उनको करेंगे। अगला सवाल, क्या जल्दबाजी दिखाई लोकसभा स्पीकर ने? क्या राहुल गांधी के केस में लोकसभा स्पीकर की तरफ से जल्दबाजी हुई? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आजम खान के केस में क्या हुआ था? भाजपा के उम्मीदवार सैनी साहब के केस में क्या हुआ था एमएलए उत्तर प्रदेश में? मैं फिर कह रहा हूं, लालू प्रसाद के केस में क्या हुआ था? जलता केस में क्या हुआ? अंजना ओम कश्यप जी, कानून है कि द मोमेंट यू आर कन्विक्टेड द डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स किकिंग इन। ठीक, यही था 13 में जिसके लिए ऑर्डिनेंस लालू प्रसाद के दबाव में आ रहा था, याद होगा आपको, जिसको उन्होंने फाड़ के नॉनसेंस कहा था। तो अब ये, और इसलिए मैंने 32 की सूची आपको दे दी। ये अगला सवाल सर, राहुल गांधी की ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, माना जा रहा है 2+6 8 साल की सजा, लेकिन अगर कोर्ट से चेंज हो जाता है, उनके उनकी सजा कम कर दी जाती है, तो क्या उनकी सदस्यता बरकरार हो जाएगी, वो चुनाव लड़ पाएंगे? अगर कोर्ट से उनका कन्विक्शन, उनको निर्दोष आगे बता दिया जाता है सेशंस हाई या किसी कोर्ट से, तो फिर क्या होगा? देखिए, अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, अब इस पर लॉ उतनी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक बार जब लोकसभा के स्पीकर नोटिफाई कर दिया तो ये फाइनल हो जाता है, बाय इलेक्शन इज द ओनली वे आउट, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन स्पीकर का है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब कोर्ट क्या करेगा, अपील में जाइए आप, बाकी करिए आप, अलग विषय है, लेकिन एक बात जब वैकेंसी हो गई, और फिर सुप्रीम, और इस बात को आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, द मोमेंट कन्विक्शन इज डन द डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स किकिंग इन अनलेस ए सुपीरियर कोर्ट स्टेज इट, सिंपल सी बात है। और ये कोई पहली बात तो हुई नहीं है, मैंने 32 लोगों का आपके सामने नाम बता दिया जी, आपने पहले ही कह दिया, तो सवाल का कोई मतलब नहीं है, कानूनी विकल्प क्या है उनके सामने कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए आपने पहले ही कह दिया कि आप लीगल एडवाइजर नहीं है। जो अगला सवाल है हमारी तरफ से लिखा हुआ, वो अगला सवाल आपको पूछ लेते हैं, क्या मानहानि केस में राहुल गांधी इस 2 साल की सजा से बच सकते थे? देखिए, मैं आपसे एक सिंपल जवाब पूछूं, नेता जो होते हैं ना, उनको एक अपना बड़ा हृदय रखना चाहिए और कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोगों के पूरे सामाजिक ताने बाने में गड़बड़ी होती हो। राहुल गांधी सॉरी बोल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी का जो अहंकार है, आज भी उनकी बहन, नॉर्मली मैं उनकी बहन पर कमेंट नहीं करता हूं, आज भी क्या कहा जा रहा है, हमारे परिवार ने लोकतंत्र को बनाया है, बहुत हो गया परिवार परिवार। मान लिया आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी जी प्रधानमंत्री थी, आपके पुराना प्रधानमंत्री थे, अब ये 75 ईयर्स आजादी के बाद का हिंदुस्तान दूसरा है, एक गरीब का आदमी भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को दुनिया की बड़ी ताकत बना सकता है, 5th इकोनॉमी वर्ल्ड की बना सकता है, और वो शख्स कितना मजबूत है उसका संकेत दिल्ली में दिखाई पड़ गया अंजना जी, कि जब खालिस्तान के लोग आक्रामकता कर रहे थे हमारे हाई कमीशन पर, तो कार्रवाई के अभाव में
दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने की सुरक्षा क्या हुई आपने देखा होगा, और उसके बाद कार्रवाई क्या हुई भी आपने देखा होगा। धन्यवाद ब्रिटिश सरकार का, वो देर से जागे। तो ये होता है जब एक मजबूत नेता होता है जिसकी हिम्मत होती है और देश आगे बढ़ता है, भले वो गरीब परिवार का हो और चाय बनाने वाले बेटे का बेटा हो। रविशंकर जी, आपसे कहना, रविशंकर जी, एक बार हम आपको सुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कानून सबके लिए समान है, लेकिन यही कांग्रेस का कहना है कि आपने असामान्य कार्यवाही और तेजी उनके खिलाफ दिखाई है। एक बार 2019 का उनका वो बयान अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आपने कहा सारे मोदी चोर हैं, लेकिन उन्होंने दरअसल क्या कहा है वो सुना देते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। रविशंकर जी, बस अब इसका क्या मतलब हुआ? सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? स्टॉप स्टॉप हेयर। सारे चोरों के नाम, और ये आप मुझसे ना पूछिए अंजना जी, ये राहुल गांधी को कोर्ट में एक्सप्लेन करना था। और अगर उनको लगा कि मेरे बोलने से मोदी समाज को आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। ये बोलने से किसने रोका था उनको? लेकिन समस्या दूसरी है, राहुल गांधी कैनॉट मेक ए मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज ही इज द ग्रेट लीगेसी ऑफ द गांधी नेहरू फैमिली, सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, ग्रैंड सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट 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 सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। समस्या वहां है अंजना जी, लेकिन 75 ईयर्स के बाद देश बदल गया है। और यही मैं आपसे एक बात कहूं, और ये आप आज तक के दर्शकों को बताना जरूरी है, इनके जब नेशनल हेराल्ड के करप्शन केस में इनके यहां रेड पड़ी और वाड्रा के केस में सवाल जवाब हुआ तो यही बात की थी कि हमारे खानदान ने देश के लिए त्याग किया। और इन लोगों ने नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने के लिए क्या क्या काम नहीं किया। 12 घंटा उनकी पूछताछ की गई। क्या भाजपा के लोग सड़कों पर आए? नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, ये देखने का नजरिया है। वहां तो मोदी जी नहीं कहा कि मैं कौन हूं क्या हूं। भाई मोदी जी जनता के आशीर्वाद से, अपने काम से कहां पहुंचे और देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं, तो सोचने का नजरिया है अंजना जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल है, छोटा सा, दो लाइन का जवाब दे दीजिएगा। कुछ की पॉलिटिक्स काम की है, ठीक है, दो लाइन का जवाब दीजिएगा एकदम। प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर खोजना चाहिए, क्या राहुल गांधी के लिए जो ये आपदा आई है संसद सदस्यता खोदने में, उसमें ओबीसी कार्ड खेलकर आप लोग अवसर देख रहे हैं? क्योंकि अब ओबीसी मंत्रियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक की है कि एक आंदोलन देश भर में छेड़ा जाएगा। छोटा सा जवाब। अच्छा मुझे ये बताइए, आज के दिन आप क्यों कह रहे हैं कि छोटा जवाब दीजिए? हम क्यों नहीं खोजेंगे? हम क्या गलत काम कर रहे हैं क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर कोई कमेंट करे नेता के सारे प्रसाद बड़े संदेहास्पद होते हैं या चोरी प्रवृत्ति के होते हैं तो क्या मैं अपने को दुखित नहीं महसूस करूंगा? बस यही सिंपल सवाल है। तो अगर ओबीसी समाज प्रताड़ित हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया देने का, हाँ बिल्कुल, और राहुल गांधी को फोर्स करके बताने का कि तुमको माफी मांगना पड़ेगा। हमारा समाज इंसल्ट विश्वास नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका।